प्यारे बच्चों, अब हम सुनेंगे हर्फ पे की कहानी। बिल्लू और बबलू दो बादल थे जो रोज कहीं सैर करने जाते। एक दिन वो सैर को गए, बिल्लू ने देखा एक बड़े से दरख्त पर एक बंदर बैठा हुआ था। बिल्लू ने बबलू से कहा, अरे बबलू देखो बंदर बोतल पी रहा है। अरे वाह, बंदर भी बोतल पीता है, बबलू ने कहा और दोनों हंसने लगे। इतने में बबलू की नजर भी बतख पर पड़ी जो एक बड़ी सी बाल्टी में नहा रही थी और गा रही थी। बिल्लू और बबलू भी बतख का गाना सुन रहे थे कि बबलू की नजर एक बिल्ली पर पड़ी जो बड़ी आहिस्ता आहिस्ता आगे आ रही थी। बिल्लू ने कहा, बबलू ये तो बानू की बिल्ली है, उसे तो भूख लग रही थी। बी बतख की बाल्टी के पास तीन बोटियां पड़ी हुई थी। बी बतख ने बिल्ली को बोटियां खाने के लिए दी और फिर नहाने में मसरूफ हो गई। बतख नहाती जाती और बातें करती जाती, बिल्ली बोटी खाती जाती और बतख से बातें करती जाती। दोनों अपनी धुन में मगन थी कि अचानक आवाज आई और किसी ने बिल्ली के दुम को खींचा। बिल्ली जोर से डर कर बोली, अब जो देखा तो दरख पर बंदर था। बत्तख बोली, भाई आपने तो हमें डरा दिया। बंदर बोला, आप दोनों को मगन देखकर मुझे ये शरारत सूझी थी। तो ये बात है। बत्तख ने बंदर के हाथ में बोतल देखकर पूछा, बंदर भाई आपको बोतल पीना पसंद है क्या? बंदर ने कहा, हाँ बहुत पसंद है, जैसे तुमको नहाना और बिल्ली को बोटी खाना। ये सुनकर तीनों हंसने लगे। आसमान पर बिल्लू और बबलू बादल भी हंसते हंसते आगे बढ़ गए।